हेलो स्टूडेंट्स क्लास एलेवन अकाउंटेंसी यूनिट सिक्स अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ फिक्सेंज हमारा चल रहा था जिसमें हम डी के गोयल के बुक से एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझ रहे थे सॉल्व कर रहे थे और एक अलग अलग जो टॉपिक उसमें है उसको हम कवर कर रहे थे तो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन तक जो है वो कम्प्लीट कर लिया है आज हम एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन बताएंगे और इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एग्ज़ाम्पल नंबर फोर्टीन तक लगभग आपको जितना भी टॉपिक है इसमें वो आपको समझ में आ गया होगा आ, बुक्स ऑफ सेलर और बुक्स ऑफ जो आपका बायर है उसमें किस तरीके से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक इसके बाद हम जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सारी बातें आपको अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ तक आपका हो गया है इसके बाद हम आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे चलो काफ़ी क्वेश्चन है इसमें चलिए वन बाय वन करके हम सारा सॉल्व करेंगे लगभग पहले हम टॉपिक को समझेंगे चलो यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन क्या कहता है देखते हैं कहता है ऑन फर्स्ट अगस्त 2017 ए सोल्ड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड टू बी तो यहाँ पर ए ने सामान बेचा है बीस हज़ार रुपये का किसे बी को प्लस सी जी एस टी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यहाँ पर वो है आपका और एस जी एस टी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाइन परसेंट ईच है आपका तो यहाँ पर आपका जी एस टी भी है बी पेज रुपीज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन कैश बी ने छत्तीस सौ रुपये कैश पे किया और कहता है एंड एक्सेप्ट अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर टू मंथ्स तो दो महीने के बाद क्या कहता है कि जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए क्या एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्चेंज यहाँ पे बन गया यानी बिल को बनाया गया ऑन द ड्यू डेट ड्यू डेट के दिन बी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मीट द बिल यहाँ पर ड्यू uh, डेट के दिन जो मैच्योरिटी डेट था उस दिन को बी ये कहता है कि हम अभी इनेबल हैं मतलब हम अभी जो है हमारे पास पैसा नहीं है देने को तो अभी हम बिल नहीं दे पाएंगे एंड ऑफर टू पे एट थाउजेंड इन कैश और बोलता है अभी जो है हम सिर्फ आठ हज़ार रुपया दे पाएंगे मतलब जितना भी अमाउंट उसने परचेस किया है उसमें से हम आठ हज़ार ही मेचोरिटी डेट के दिन दे पाएंगे ऐसा कहता है एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल और एक बोलता है कि एक नया बिल एक्सेप्ट उसने कर लिया न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 15 परसेंट पर एनम फॉर थ्री मंथ तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा जो नया मैचोरिटी डेट दिया जाएगा बिल को कैंसिल करके उसमें आपका 15 परसेंट का इंटरेस्ट भी लगेगा ए अग्रीज टू दिस प्रपोजल ए बोलता है कि ठीक है जैसा तुम बोल रहे हो हम वैसा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ऑन मेचोरिटी दिस बिल ऑन मेचोरिटी दिस बिल वॉज़ ड्यूली मीट बाई बी और मेचोरिटी डेट के दिन जो दूसरा वाला बिल बना था उसका पैसा क्या करता है बी अपना दे देता है पास जनरल एंट्री ए एंड बी दोनों के बुक में यहां पर जनरल एंट्री पास करने को कहता है चलो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं यहां पर हो गया ए सेलर और बी बायर चलो यहां पर क्या कहता है ए जो है सामान बेचा है बी को बीस हजार रुपए का वन बाय वन करके समझते हैं सामान बेचा बीस हजार रुपए का जिसमें से आपका जीएसटी भी है तो जीएसटी अगर कैलकुलेट करे नौ नाइन परसेंट है 1800, अट्ठारह सौ अट्ठारह सौ दो बार हो जाएगा है ना तो चलिए इसका एंट्री हम आपको सीधा पास करके इसको सॉल्व करते हैं सीधा समझाते हैं क्वेश्चन को जर्नल ऑफ ए यानी सेलर और जर्नल ऑफ बी बायर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्री होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन आपको कहता है जैसा वैसा वैसे आपको करते जाना है सबसे पहले क्या कहता है एक अगस्त को सामान बेचा गया ए ने सामान बेचा बी को ठीक है तो सामान बेचा कब है आपका एक अगस्त 2017 को सामान यहाँ पर बेचा गया है चलो तो क्या एंट्री बनाएंगे इसके बुक में 2017 सामान बेचा किसको बी को तो यहाँ पर एक अगस्त फर्स्ट अगस्त ये आप डेट डाल दीजिए और एक अगस्त को सामान बेचा गया है तो यहाँ पर लिखिए बी को बेचा गया बी टू सेल्स अकाउंट यही होगा अच्छा इसमें जीएसटी भी है आपका नाइन तो सामान बेचा कितने का बेचा जो गया है सामान उस पर यहाँ पर लिख दो ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार का सामान जो है ए ने यहाँ पर बी को बेचा है तो सबसे पहले आप वहां पर ट्वेंटी थाउजेंड सेल्स के सामने लिख दो अब जीएसटी है यहां पर सामान बेच रहा है तो सामान बेचने में जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट जीएसटी लगता है तो यहां पर हम लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी पर लिखते हैं हम आउटपुट सी अकाउंट और यहां पर टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट बीस हज़ार है और दोनों कितना है नौ नौ परसेंट यानी बीस हज़ार का नौ परसेंट निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका अट्ठारह सौ रुपया ये भी आ जाएगा आपका अट्ठारह सौ रुपया एटीन एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड ये क्रेडिट क्यों होता है ये मैंने आपको बताया है कि ये क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि ये लाइब्रेटरी है ये गवर्नमेंट को पे करना है तो जो भी लाइब्रेटरी होता है वो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है ठीक है तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया छत्तीस तेईस हजार छः सौ रुपया आएगा आपका तो यहां पर जीएसटी को लगा करके जो सामान बी को बेचा गया है वो कितना है तेईस हजार छः सौ रुपये का सेम ये एंट्री क्या करेगा 2017 सेवेंटीन एक अगस्त ये एंट्री क्या करेगा तो सामान बेचा है किसे ए को बेचा है डेबिट ए और यहां पर अच्छा सॉरी ये तो बेचा नहीं है तो खरीदा है ना ये तो बायर है इसने सामान परचेस किया है तो यहां पर होगा परचेस अकाउंट डेबिट जब परचेस करता है तो जीएसटी एसेट होता है परचेजर जो परचेस किया है क्यों एसेट होता है क्योंकि अल्टीमेटली ये सामान को बेच करके कस्टमर से रिकवर कर लेगा इसलिए यहाँ पर जो जीएसटी होगा परचेस में वो होगा इनपुट जीएसटी इनपुट सी जी एस टी अकाउंट एसेट है इसलिए डेबिट होगा और यहाँ पर इनपुट एस जी एस टी अकाउंट ये होगा और टू किससे खरीदा है ए से तो यहाँ पर ए अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे ठीक है कितने का सामान जो है परचेस किया गया है बीस हज़ार का वही अठारह परसेंट दोनों का जीएसटी लगा दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा अट्ठारह सौ नौ परसेंट लगाओगे तो अट्ठारह सौ अट्ठारह सौ इसके लिए इनपुट हो गया और टोटल कितना हो जाएगा ए को कितना देना है तो तेईस हज़ार छः सौ रुपये ए को देना है ठीक है तो कितने का सामान ऐसे परचेस किया तेईस हजार छः सौ का जीएसटी के साथ चलो ये बात तो आपको क्लियर हुआ पर जीएसटी यहां पर, पर। देखिए कोई भी बिजनेसमैन होता है तो आउटपुट जीएसटी जो होता है उसके लिए लाइब्रेटी होता है उसमें से वो इनपुट माइनस करता है तो जो बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट को एक्चुअली में पे किया जाता है तो यहां पर जो है ये लाइब्रेटी है और यहां पर जो है वो एसेट है इसलिए डेबिट किया एसेट क्यों है क्योंकि अल्टीमेटली ये कस्टमर से जाकर के क्या करेगा आ, वो रिकवर कर लेगा और ये जो है गवर्नमेंट को पे करना है एक्चुअली में इसलिए लाइबिलिटी है तो कोई भी बिजनेसमैन अपने आउटपुट में से इनपुट को घटा करके जो बैलेंस बचता है वही गवर्नमेंट को पे किया जाता है तो यहाँ पर फ़िलहाल आपने बी को जो है सामान बेचा है और यहाँ पर यहाँ पर ए से सामान बी ने खरीदा है ये एंट्री बना चलिए तो टोटल कितना यहाँ पर बी को पे करना है को कितना पैसा देना है तेईस या छ सौ आप इस पे ध्यान रखो अब अब क्या होगा नेक्स्ट नेक्स्ट होगा बिल ड्रॉ ठीक है बिल ड्रॉ किया जाएगा तो अगला स्टेप जो है आपका वहां पर हम अब बिल को ड्रॉ करेंगे ठीक है चलिए ड्रॉ करते हैं हम बताइए क्या जर्नल एंट्री बनता है एक अगस्त दो को बिल ड्रॉ किया जाएगा अच्छा क्वेश्चन में और क्या कहता है कि जब बिल ड्रॉ किया जाएगा तो उसमें से कितना पैसा वो कैश में दे देगा ये क्या कहता है देखिएगा बी पेस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन कैश तो छत्तीस सौ रुपये जो है वो कैश में कहता है कि यहाँ पर बी जो है पे कर रहा है और एक्सेप्ट अ बिल फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट फॉर टू मंथ तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर जो है उसका एक बिल बनेगा तो चलिए सारा काम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनेगा सबसे पहले हम बिल ड्रॉ करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर बिल्स रिसिबेबल अकाउंट डेबिट करेंगे और क्या करते थे बीस का सबका पैसा देगा तो बी करते थे बी को देना कितना है तो बी को जो यहाँ देना है वो देखिएगा कि तेईस हजार छः सौ रुपये ये पैसा देना है ये लिख दिए बी के सामने जिसमें से बिल कितने का ड्रॉ हुआ बिल जो ड्रॉ हुआ बोलता है बैलेंस छत्तीस सौ रुपये पे कर दे रहा है इसमें से बी तो ए के पास कैश आ जाएगा कितना छत्तीस रुपये यहाँ पर अगर ये हटा दो तो कितना यहाँ पर आ गया बी ने अगर पैसा पे किया है तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बी यही बनाएंगे जिसमें से छत्तीस सौ पेमेंट कर दिया है तो बिल कितने का बनेगा बीस हजार रुपये का तो बिल जितने का बनेगा बिल के सामने उतना अमाउंट हमने लिख दिया बीस हजार रुपया तो बी को देना है आपका तीन छ तेईस हजार छः सौ रुपये जिसमें से, जिस से कैश मिल गया एक को डेबिट कार्ड कम्स इन यहाँ पे छत्तीस सौ रुपया तो बिल कितने का बना बीस हजार का यहां पर बिल बनता है इसके बाद एक अगस्त यहां पर क्या होगा तो इसके लिए तो लाइब्रिटी हो जाएगा यहां पर लिख दो पहले बिल्स पेबल कितने का लाइब्रिटी जितने का बिल बना है यहां पर बीस हजार का तो लाइब्रिटी भी उतना ही का यहां पर लिख दो बीस हज़ार रुपया लिख दिया कैश यहां पर आया है तो इसने कैश पेमेंट किया है लिख दो टू कैश क्रेडिट कार्ड गोज़ आउट इसके पास से कैश चला जाएगा कितना थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ कैश चला जाएगा और यहाँ पर नाम किसका जाएगा ए का ए को कितना पे करना था तो तेईस हजार सौ रुपया यहाँ पर पे करना था जिसमें से बिल बना बीस सौ रुपये का और छत्तीस सौ रुपये पे होगा तो टोटल यहाँ पर ए को पे करना था तेईस हजार छः सौ छत्तीस सौ रुपये यहाँ पर पे किया गया और बिल बन गया यहाँ पर बीस हज़ार रुपये का यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अभी आपको होना चाहिए अगला स्टेप क्या है बिल अभी ड्रॉ हुआ है ये बिल ये तो पैसा मिल गया है इसकी कोई इसकी तो कोई बात ही नहीं है पैसा पेमेंट हो गया या पैसा आ गया बिल कितने का है बीस हज़ार रुपये का अच्छा तो बेचा सामान गया था एक अगस्त को यहाँ पर एक अगस्त को बिल ड्रॉ किया गया कितने का जितने का बिल है ट्वेंटी थाउजेंड ये लिख दिया हम बोलता है दो महीने के बाद तो एक अगस्त को बिल ड्रॉ किया गया है और यहाँ से दो महीना कितना हो तो एक अगस्त से एक अक्टूबर एक अक्टूबर से एक नवंबर अच्छा अगस्त ही बेचा गया ना एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एक मिनट हां अगस्त अगस्त से एक महीना ना तो अगस्त से सितंबर एक सितंबर और सितंबर से होगा यहां पर अक्टूबर ठीक है ठीक है एक अगस्त से अगस्त सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर से अक्टूबर और तीन दिन आप ग्रेस पीरियड का जोड़ दो तो ये पहला मंथ ये दूसरा मंथ ठीक है कितना हो जाएगा ये चार अक्टूबर 2017 ये डेट आपका मेचोरिटी डेट निकल के आता है अब होगा यहाँ पर क्या बिल का पेमेंट बिल का पेमेंट होना चाहिए कितने का बिल है बीस हजार रुपये का ये आप ध्यान रखना कब होगा चार अक्टूबर को अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम वो देख लेते हैं ठीक है ऑन दी ड्यू डेट लिखता है आगे में ऑन द ड्यू डेट बी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मीट द बिल एंड ऑफर्स टू पे एट थाउजेंड इन कैश तो बोलता है कि हम जो है बिल का पैसा नहीं दे पाएंगे और आठ हज़ार रुपये जो है हम वो कैश यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे ओनली ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि बिल का बिल को सबसे पहले हमको कैंसिल करना होगा ये जो बिल है इसे हमको कैंसिल करना होगा कब यहाँ पर चार अक्टूबर को फोर्थ अक्टूबर आ रहा है सब कुछ हाँ चार अक्टूबर को क्या करना होगा सबसे पहले ये बी सी का बिल कैंसिल करना पड़ा होगा कैंसिल करना होगा तो क्या करना होगा जो एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा बी अकाउंट कैश तो मिल गया है इसको छोड़ दिए जो पैसा मिल गया है उसको हटा दीजिए हम किसको रिवर्स करेंगे ये तो पैसा मिल ही गया है उसी समय मिल गया एक अगस्त को तो इसको इससे हमको कोई लेना देना नहीं है पैसा पॉकेट में आ चुका है बिल कितने का है बिल को कैंसिल करना है याद रखिएगा तो बिल जो है यहाँ पर वो बीस हजार रुपये का बिल है और इस बिल को जो है हमें करना होगा क्या कैंसिल तो चलिए बिल को कैंसिल करते हैं हम यहाँ पर आ, बी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट बी को हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया और बिल से तो क्रेडिट कर दिया तो डेबिट तो क्रेडिट आपस में मिलकर कटेगा कितना लिखेंगे बिल कितने का है बीस हजार और यहाँ कितना लिखेंगे बीस हजार तो बिल कैंसिल हो गया अब बोलोगे यहाँ पर तेईस हजार छः सौ है तेईस हजार छः सौ में से तीन हजार छः सौ तो पे कर ही दिया तो यहाँ बचा कितना बीस हज़ार रुपया ही तो बचा है ना तो यहाँ पर बीस हज़ार रुपये अगर बी को डेबिट कर दिए तो यहाँ पर बीस हज़ार रुपये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर बिल से रिसीव बीस हजार पूरा पूरा कट जाएगा जिस इसमें से छत्तीस सौ तो यहाँ पर रिसीव हो ही गया है तो बिल यहाँ पर हमने इस तरीके से कैंसिल किया चलो आगे ये बिल कैंसिल किया चार अक्टूबर ये क्या बनाएगा यहाँ पर देखिए कैश तो यहाँ पे इसने पेमेंट कर ही दिया है तो बिल है बीस हज़ार का क्रेडिट है डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए और एक को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना से बीस हज़ार रुपया से बिल हो गया कैंसिल यहाँ तक कोई दिक्कत अब बिल को हम कैंसिल कर दिए चलिए आगे क्या कहता है एट हजार आठ हज़ार रुपये जो है वो कैश में यहाँ पर दे रहा है बिल बिल का पैसा जो भी है बीस हजार रुपये पे करना था तो बिल को तो हमने कैंसिल कर दिया बोलता है आठ हज़ार रुपये हम पे करेंगे तो ठीक है आठ हज़ार रुपये चार अक्टूबर को पे करो यहाँ पर इसके पास कैश आएगा डेबिट वार्ड का हमसीन और पेमेंट कौन कर रहा है क्रेडिट द गिवर बी तो यहाँ पर बी कितना पेमेंट कर दे रहा है आठ हजार रुपया तो बीस हजार में से यहाँ पे देखोगे ये बीस हजार में से आपका कितना पेमेंट हो जा रहा है आठ हजार रुपये बी जो है यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो डेबिट कार्ड कम से यहां पे पैसा आ रहा है क्रेडिट द गिवर ये हो गया चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर हो गया फोर्थ अक्टूबर को यह ये यहाँ पर कैश आया तो इसने कैश पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड गोज आउट यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितना से आठ हजार रुपया से और दिया किसको को डेबिट दरसीवर ए ए को पेमेंट हुआ तो आठ हज़ार रुपये यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं पेमेंट हो गया बताइए बीस हज़ार में से आठ हज़ार तो पेमेंट कर दिया बीस हज़ार में से यहाँ पर आठ हज़ार तो यहाँ पे पेमेंट हो गया तो बैलेंस कितना बचा बारह हज़ार रुपये बचा बीस हज़ार में से यहाँ पर जो है कितना पेमेंट कर दिया आठ हज़ार रुपये का पेमेंट हो गया तो बैलेंस कितना बचा बारह हज़ार रुपये इसका जो है वो बिल ड्रॉप किया जाएगा तो बोलता है कि एक नया बिल जो है वो ड्रॉ यहाँ पे कर दीजिए तो ए भी जो है सेलर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को तो चलिए यहाँ पर आपका एक नया बिल जो है वो बनाया जाएगा लेकिन बोला है देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फिफ्टीन परसेंट जो है वो चार्ज किया जाएगा ठीक है तो देखते हैं नया बिल का डेट कब से है चार अक्टूबर है ना यहाँ पर और नया बिल जो है वो फिफ्टीन परसेंट आफ्टर थ्री मंथ कहता है तो अक्टूबर है ना यहाँ पर देखिए एक इसको कैंसिल कर दिया गया इस बिल को कैंसिल किया गया और नया डेट दिया गया चार अक्टूबर मेचोरिटी डेट था यहाँ से देखना चार अक्टूबर को बिल जो है वो कैंसिल किया गया है अब यहाँ से तीन महीना तो चार अक्टूबर से तीन महीना करना है अक्टूबर से नवंबर एक नवंबर सॉरी एक नवंबर नहीं चार नवंबर चार अक्टूबर से चार नवंबर चार दिसंबर ये पहला मंथ ये दूसरा मंथ और तीसरा मंथ चार जनवरी ये हो गया तीसरा मंथ प्लस तीन दिन ग्रेस का तो ये होगा आपका चार दिन सात जनवरी अच्छा दो हज़ार सत्रह था ना दो हज़ार सत्रह था लेकिन देखिए ईयर चेंज हो गया है आपका दिसंबर के बाद से जनवरी ईयर चेंज हो जाएगा तो दो हज़ार अट्ठारह हो जाएगा ये 2018 आप इसको लिखोगे तो 7 जनवरी 2018 जो है आपका दूसरे वाले बिल का मेचोरिटी डेट यहां पर निकल करके आता है हाँ। तो अब चलिए यहां पर इंटरेस्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं और क्या क्या बोला है कि इंटरेस्ट का पैसा वो कैसे देगा तो बोला है कि यहां पर आठ हजार रुपए कैश मुझे दिया और एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट फिफ्टीन परसेंट पर एन एम तो यहाँ कहता है कि जो इंटरेस्ट का पैसा लिया जाएगा ना वो आपका कैश में नहीं पेड कर रहा है अगर कैश में पेड कर देता है यहाँ पर तो कैश टू इंटरेस्ट और यहाँ पर होता आपका इंटरेस्ट टू कैश ये होता है अगर कैश में पेड कर देता तो लेकिन इंटरेस्ट का पैसा कैश में पे यहाँ पर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट जो देना है जो रिसीवेबल करना है रिसीव करना है उसका एंट्री क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट हम 4 अक्टूबर को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना होगा फोर्थ अक्टूबर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना पे देखिए आठ हज़ार रुपये तो पेमेंट कर दिया तो बारह हज़ार का बारह हज़ार बचा इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्योंकि आठ हज़ार तो पेमेंट चार को कर ही दिया था तो इस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा पंद्रह हो गया ना और कितना महीना के बाद एक दो तीन तीन महीने के बाद होगा तो थ्री बाई ट्वेल्व ये हो जाएगा आपका रुपीज़ फोर हंड्रेड फिफ्टी ये जो है इंटरेस्ट यहाँ पे आता है ये इंटरेस्ट पे करना है किसको को ये इंटरेस्ट पे करना है बी पे करेगा ए को बोलता है कि बिल में जोड़ दीजिएगा हमको अभी चार सौ पचास रुपये हम पे नहीं कर पाएंगे तो ठीक है इसका जो कितना रिसीवेबल करना है यहाँ पे बी को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे यहाँ पर बी को डेबिट करके हमने इसको डेटर बना दिया कितने से चार सौ पचास रुपये से यहाँ पर लिख देंगे चार सौ पचास रुपये इंटरेस्ट अकाउंट लिखिए यहाँ पे चार सौ पचास रुपये ये हो गया यहाँ पे ये यह इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा बिल में जोड़ देंगे हम इसको अब चार अक्टूबर को यहाँ पे क्या होगा इसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट ऑल इनकम इसके लिए क्या होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा और टू पैसा किसे पेड करना है ए को पे करना है तो ये हो गया क्रेडिटर इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए कितने से चार सौ पचास रुपये से चलो ये हो गया अब अब यहाँ पर इंटरेस्ट चार सौ पचास रुपये पे करना है ठीक है अब बनेगा क्या चार अक्टूबर को बिल का हम हाँ फॉर्मेशन करते हैं बिल को बनाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं चार अक्टूबर अब बिल बन जाएगा तो बिल बनाएंगे तो बनाइए तो बिल कैसे बनाइएगा आप इसको इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा एसेट और टू पैसा कौन देने वाला है बी बायर तो ये बना देंगे सेम अमाउंट हम हाँ अभी लिखते हैं रुकीेगा यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट और किसे पे करेगा ए को ठीक है अब देखिएगा कि बारह हजार रुपए बचता था आठ हजार तो पे भी कर दिया बी बीस में से कितना पे कर दिया आठ हजार पेमेंट कर दिया तो बारह हजार बचता था जिसपे इंटरेस्ट कितना बना चार सौ पचास तो बिल कितना बनेगा बारह हजार चार सौ पचास रुपए का ये बिल का पैसा रिसीव हुआ देखिए बारह हजार में से चार सौ पचास हम इसको जोड़ दिए क्योंकि ये बोला था कि बिल में ही जोड़ करके अभी हम पैसा नहीं देंगे जब इसको बिल में जोड़ दीजिएगा हम जब बिल का मेचोरिटी डेट होगा तब हम पैसा दे देंगे यानी सात जनवरी दो को ठीक है तो यहाँ पर हो गया बारह हज़ार चार सौ पचास रुपया यहाँ पर भी आप लिख दो ए को कितना पे करना है बारह हज़ार चार सौ पचास और इसके लिए लाइब्रेटी कितने का है बारह हज़ार चार सौ पचास का कोई प्रॉब्लम नहीं ये बिल बन गया यहाँ पर इसको हटाते हैं मेचोरिटी डेट खाली छोड़ देते हैं अब समय का इंतजार होगा अक्टूबर से नवंबर नवंबर से दिसंबर दिसंबर से जनवरी सात जनवरी का डेट आया सात जनवरी यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे दो हज़ार अठारह टू थाउजेंड एटीन जनवरी सेवन आ रहा है सब कुछ कैमरे में 2007 अब बताइए पैसा बोला है क्या साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि जो ड्यू डेट है मैचोरिटी डेट है उस दिन बी को बी ने पैसा दे दिया है साफ साफ कहा है तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा क्या कैश अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट दोनों में से आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर फिलहाल बैंक के थ्रू ही यहाँ पर होगा ट्रांजेक्शन तो लिखिएगा बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिएगा बिल इसके पास से चला गया बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट बारह हज़ार चार सौ पचास रुपये बारह हज़ार चार सौ पचास रुपये यहाँ पर लिखिए 2018 इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में सेवन सात जनवरी इसका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट को ये क्या कर देगा डेबिट कर देगा और बैंक से बैंक बैलेंस का घट जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा बारह हजार चलो यही करना था हो गया यही एंट्री आपको पास सारा करना था बताइए इसमें कोई दिक्कत है यहां तक इसको आपको जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे बनाना होगा तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं पूरा का पूरा टॉपिक देखिए क्या क्या हुआ सबसे पहले सामान बेचा गया तो ए ने सामान बी को बेचा तो ये बनाया आपका बी टू सेल्स और यहाँ पे जीएसटी भी था इसके लिए लाइब्रेरी है इसलिए आउटपुट जीएसटी को यहाँ पे क्रेडिट किया गया जब सेल होता है तो आउटपुट जीएसटी लिखते हैं जब परचेस करते हैं तो इनपुट जीएसटी लिखते हैं आउटपुट जीएसटी एस है इसलिए क्रेडिट हाँ करते हैं इनपुट जीएसटी एसेट है क्योंकि कस्टमर से रिकवर कर लेगा इसीलिए इनपुट जीएसटी को हम आपका डेबिट करते हैं और ये गवर्नमेंट को पे करना है लाइब्रेटी है इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पर हो गया बी टू सेल्स और यहाँ पर परचेस टू ए टोटल पैसा कितना अब एक्चुअली में बी को पे करना है तेईस से छः सौ रुपये और ए को कितना देना है तेईस से छः सौ रुपये इसके बाद एक अगस्त को क्या हुआ कि यहाँ पर बिल को बनाया गया जिसमें से कहता है क्वेश्चन की छत्तीस सौ पे कर दिया गया तो बी को कितना पे करना था तीन तेईस हजार छः सौ रुपये ये हम बी के सामने लिख दिए देखिए बी को कितना पे करना था तेईस हजार छः सौ रुपये इसमें छत्तीस सौ रुपये कैश दे दिया तो बिल कितने का बना बीस हज़ार रुपये का सेम चीज़ यहाँ पे देखिएगा ए को पैसा कितना पेड करना था तो छत्तीस सौ रुपये यहाँ पर पेड कर दिया तो बिल्स पेबल लाइब्रेरी कितने का बना यहाँ पर बीस हज़ार रुपये का बना जितना का रिसिवेबल है उतना ही कम आती पेबल है इसके बाद चार अक्टूबर को कहता है यहाँ पर कि जब मेचोरिटी डेट आया पहला वाला बिल का तो यहाँ पर कहता है कि हम अनेबल है देने में हम जो है बिल का पैसा भी कहता है हम नहीं दे पाएंगे सिर्फ इसमें से कितना हम दे पाएंगे तो यहाँ पर बोलता है कि हम आठ हज़ार रुपये देंगे तो बोला कि बिल को हमको सबसे पहले क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए बीस हज़ार रुपये का तो बीस हज़ार रुपया यहाँ पर बिल को हम यहाँ पर देखिएगा कैंसिल कर दिए बिल को यहाँ पर ये यह भी कैंसिल कर दिया बिल को अब इसमें से कैश कितना दे दे रहा है बी हज़ार का बिल कैंसिल हो चुका है जिसमें से आठ हज़ार रुपया दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी और इसने पे कर दिया ए टू कैश पेमेंट कर दिया ए को तो ये बनाएगा ए टू कैश अकाउंट आठ हज़ार रुपये आठ हज़ार रुपये पेमेंट हो गया तो बचा कितना बारह हज़ार रुपये का बारह हज़ार रुपये बोला गया कि इंटरेस्ट का पैसा लेंगे और बी कहता है कि इंटरेस्ट का पैसा बिल में जोड़ दीजिएगा तो सबसे पहले बी टू इंटरेस्ट यहाँ पर करेंगे ये डेटर बना दिया हम इसको बी बी को और इंटरेस्ट इनकम है सर इसको हम क्रेडिट कर दिए चार सौ पचास रुपये बारह हज़ार का पंद्रह परसेंट तीन महीना के लिए यहाँ पे चार सौ पचास रुपये आता है इसके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और ये क्रेडिटर हो गया चार सौ पचास रुपये से तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ये यहाँ पे हम कर दिए अगर यहाँ पे कैश पेमेंट करता तो है तो कैश टू इंटरेस्ट करते हैं यहाँ पर अगर ये कैश पेमेंट करता तो इंटरेस्ट टू कैश हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल कैश में यहाँ पर पेमेंट नहीं है ठीक है ये हो गया आपका अब बोला कि बिल में जोड़ देना है तो एक हम नया बिल बनाएंगे चार अक्टूबर को बिल्स रिसीवेबल टू बी ये तो जैसा पुराना एंट्री है वही एंट्री होगा बारह हज़ार में चार सौ पचास जोड़ देंगे तो बारह हज़ार चार सौ पचास रुपये करेंगे और यहाँ पर ए टू बिल्स पेबल हो जाएगा बारह हजार चार सौ पचास का ये बिल ड्रॉ हो गया बारह हज़ार और प्लस इंटरेस्ट का पैसा बारह हजार चार सौ पचास दूसरा बिल का मेचोरिटी डेट जो है वो सात जनवरी 2018 का आता है इस दिन पेमेंट हो जाएगा इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू और बी जो एसेट है वो कम हो जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कर दिए इसका लाइब्रेरी खत्म हो गया लाइब्रेरी ख़त्म हो गया तो डेबिट कर दिए और बैंक से पैसा इसका कम हो गया बारह यही काम आपका हुआ तो फटाफट हम इसको समझा दिए हैं आप धीरे 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 इसको अपने हिसाब से जो है बनाना कॉपी में बिना देखे हुए ठीक है इसके बाद का जो भी इसमें फिर और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हो लेकिन फिलहाल अपने से बनाने की कोशिश करना एंट्री कभी भी रटना नहीं आप देखना कि कैसे कैसे चल रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना शुरुआत में प्रॉब्लम होगी बाद में आपको ऐसे ही आप बना लोगे बिना एंट्री वगैरह देखे सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और आप फटाफट -फड़ जन एंट्री इसका पास कर दोगे तो आज के लिए इतना ही बच्चों इसके बाद जो है हम आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक समझ में ना आए जितना पढ़ा दिए हैं उतना ना समझ में आए इसके अलावा भी किसी दूसरे बुक से भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं हम उसका आपको वीडियो बना करके आंसर कर देंगे तो दो तीन चार क्वेश्चन जब हो जाए आपके पास ऐसा कि जो आपसे नहीं बन रहा है जहाँ प्रॉब्लम है तो एक साथ दे देना हम उसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू